खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल बड़ी छोटी सारी अपडेट आपने देता रहा है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जी 2022 के क्लेम की, बीमे की, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि सरकार की और कंपनी की मीटिंग चलने लग रही है और इस बात के ऊपर फैसला लिया जा रहा है कि भाई बीमा कौन देगा। उसके बाद खबर आई थी कि कंपनी जो है बीमा देने तैयार है। कई भाइयों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए कि भाई शर्मा जी पत्रकार महोदय बताओ कब आओगा कब आओगा कब आओगा। बहुत बड़ा सवाल था और मेरे किसान साथी बड़े ही परेशान हताश थे और धीरे धीरे उनकी जो है जो मन में एक शक एक डर एक भय शंका हो गई थी कि भाई बेराना सरकार देगी कि नहीं देगी। तो आज बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। उस दिन भी खुशखबरी लेकर आया था, आज फिर इतनी देर रात ना अगर आना रहे हूँ जब तक आपके दौरा वीडियो पूछेगी तकरीबन 9 बज चुके होंगे, तो रात ना 9 बजे बहुत बड़ी खुशखबरी देने ना रहे हूँ ताकि हरेक मेरा किसान साथी शांतिपूर्वक चिंता सोच कर अपने घर ने और एक बहुत बड़ी नींद ले सके। सरकार ने जो है कंपनी द्वारा वो बीमा डाला जा चुका है भाई 2022 का कपास का खरीफ का क्लेम, वो बीमा सरकार ने जो किसाना का खाते में डालना शुरू कर दिया है। अभी अभी मेरी जो है किसान साथी से बात हुई, ताऊजी थे मेरे वो मनहान गांव थे जो कि जिला भिवाण का गांव है, अलका तोसाव का गांव है मनहान, और उड़ते फ़ोन था रामतार शर्मा जी का कि भाई जो है सरकार ने मौज कर दी है, बीमा डाल दिया है और 24,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने बीमा दिया है। तो यह भी एक अच्छी मतलब कि भाई अच्छी खासी रकम है जो किसान ने सोच रखा था उतना शायद हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि भाई किसान का घाटा ना हो जाए। तो आपकी क्या राय है और क्या मेरी बातचीत हुई है वो पूरी बात आगे वीडियो में सुनी हो कि क्या मेरी बातचीत हुई थी, और जो है वीडियो ने शेयर कर देनी है हरेक किसान साथी तई ताकि हरेक ने नुबेरा पड़ जाए भाई बीमा डालना शुरू हो चुका है, बीमा आना शुरू हो गया है और सरकार ने जो है भाई एक अच्छा कदम उठाया है। सरकार का भी, कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब का भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसानों की सुनी और उन्होंने तय भाई रियायत बरती है या 24,000 प्रति एकड़ का हिसाब से बीमा देना बहुत अच्छी बात है। और जो उम्मीदें थी मैंने सरकार ते कृषि मंत्री जी ने जो पिछली वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई कृषि मंत्री तक यह वीडियो पहुँचाओ ताकि दलाल साहब जो हैं इसकी तरफ गौर कर सकें और जल्दी से जल्दी जो है एक्शन लिया जा सके, तो अब सरकार एक्शन ले चुकी है कि पूरी बात हुई है वो वीडियो में आप सुन लो। हेलो, हाँ जी पत्रकार साहब बोलिए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया है जी, सरकार ने मौज कर दिया तो बीमा दे दिया हमारे को। बीमा दे दिया क्या का? 2022 का। 2022 का यो खरीफ वाला? हाँ खरीफ का। अच्छा कितने एक बार पहले आया है? आज सुबह आ गया था। अच्छा। हाँ जी आज आ लिया, सुबह आ गया था जी। अच्छा अच्छा और किस हफ्ता आया है? खूब निहाल कर दिया 24,000 रुपये किलो के हिसाब से, सारा गांव का बीमा आया, घर गेल आया, सारा गांव राजी हो रहा है। 24,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से? 24,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार ने निहाल कर दिया। कृषि मंत्री साहब ने वो बोल कर दिया आप जैसे पत्रकारों की दवा से, सरकार की मेहनत से, मंत्री जी की दया से। हाँ जी हाँ जी पूरा गाँव बहुत खुश है भाई। अब तो अच्छा आपका कितने किला में थी कपास भाव जी? महाराज जी 12 किला में। 12 किला में? हाँ जी। तो 12 चौका 48 सर, 12 दून 24 सर 28। अच्छा भी मिल लेगी फिर तो? 2,97,000। दो हाँ 3 लाख रुपये हो गए। 3 लाख आ गए। अच्छा ठाट हो रहा, पूरा काम खुश हो रहा है? तो पूरा काम खुश हो रहा है, पूरा काम खुश हो रहा है, सारा काम निकलता भाई सरकार हो तो इसी हो। अच्छा हाँ नहीं तो किसाना का थोड़ी सी भाव रही थी भाई, आ होगा कच्ची आ होगा, मैंने वीडियो तो डाली थी पहले भी भाई जल्द आने वाला है। हाँ 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 आज आ गया, वीडियो डाली थी आपकी, वीडियो का असर भी ऐसा है, वीडियो भी सुनी थी हमने। हाँ 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 और आज आ गया, आज हर एक आदमी खुश हो रहा है, मंत्री साहब के कृषि मंत्री की बहुत सराहना कर रहे थे। अच्छा अच्छा हाँ जी चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द आ जाए तो और भी अच्छी बात है, और भी किसान भाई बार देखने लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर के लिए और जनता ने भी यह बात पहुंचा दी हूं मैं भाई आने लग रहा है, थोड़ा देरी देरी। ठीक है जी, राम राम। ओके जी धन्यवाद। ठीक सारी बात आपने सुनी, छोटी सी थी क्योंकि किसान खुशी तो ओतप्रोत हो रहा था और शायद वो लगातार लग रहा था, मेरे तरफ भी 2-3 बार ट्राई किया था फ़ोन का और उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने पूरी बात सुनी कि भाई एक मन में आशा जागृत हुई है सरकार के प्रति भी, और जो है किसान जब फसल
सर तो पहले खेतों में बोया है तो भगवान तो आस रखा है, उसके बाद अगर कोई 1921 हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसके बाद जमींदार जो है वो सरकार की तरफ देखा करे और सरकार ने आज सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो ना ज़्यादा ज़्यादा हरेक किसान साथी तक जानी चाहिए। जो 45 गांव मैंने बताए थे भिवानी के जो रह रहे थे, तो उनमें मुहिम शुरू हो चुकी है, बीमा डलना शुरू हो चुका है। तो आपका काम का भी अगर नंबर आ लिया हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, फ़ोन करके बता सको हो। नंबर मेरा हरेक वीडियो में मैं दिया करूँ, तो वीडियो ने शेयर कर देनी, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कैमरा पर्सन कविता शर्मा के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा की, सारे दर्शकान चाची तयन भाण भाई मामा भाई ने राम राम जी।